अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, हाजिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो गाइस, मैंने ना अभी ऊपर आया था, टाइम फिर से ही वही टाइम हो रहा है 12। कल भी 12 बजे ही आया था और आज भी 12 बजे ही आया हूँ। सो गाइस, मैंने ना ये कबूतर खोल रखा था तांबड़ा, और वो काली कबूतर का जोड़ा लगा रहा हूँ ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, बुरा मान रखे एक दूसरे से या फिर लड़ाई चल रही है इन दोनों में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जोड़ा लगाने से इनकार कर रखा, मतलब कि जब भी खोलता हूँ तो एक इधर खड़ा हो जाएगा, एक उधर खड़ी हो जाएगी, दोनों लगाने का नाम निशान नहीं है बिल्कुल भी। और मैं सोचता हूँ कि जरा इधर बैठ जाऊँ, क्या पता खाएं, मगर नहीं खाते, पता नहीं क्यों लगाने। ये तो पता नहीं किसको पागल हो गया है दिमाग से, वो कबूतरी लगा लेगी अगर ये लगाएगा तो, मगर ये जब भी खोलता हूँ तो ये आगे खड़ा होता है, वो पीछे होती है, तो इसका मतलब ये लगाना चाहता ही नहीं है जोड़ा इससे। मगर मैं लगवा के रहूँगा, बंदी इसके साथ करूँगा, क्या साल लग जाए कोई बात नहीं, मगर मैं अभी जिद्दी हूँ, मैं अभी लगा के रहूँगा इसके साथ गाइस, क्योंकि मुझे बच्चे देखने का इस यूनिक बच्चे निकलवाना चाहता हूँ, जो ये गंडेदार है नहीं है तो गंडेदार बच्चे और काले का कॉम्बिनेशन के तब अलग टाइप का आएगा, तो मैं देखना चाहता हूँ कि किस टाइप के आएंगे अलग अलग जोड़े के अलग अलग बच्चे। तो इनको भी खोल ही देता हूँ, वो जोड़ा तो खा ही नहीं रहने फिलहाल, खोल दूँ इनको बेचारों को बंद करके, क्या फायदा। ये देखो सारे बैठे हुए हैं बाहर, मस्त नाच नचनिए कर रहे हैं, नाच मेरी रानी नाच, मेरी रानी नाच नाच मेरी। गाइस आपको पता है जब मुझे गाना आता नहीं था ना, तो मुझे लगता था इन्होंने ये वाला गाना बनाया है जो अभी चल रहा था ना, फिर ट्रेंड में आ गया था, मुझे लगता था ये वाला है वो, नाच मेरी नानी नाच, मेरी नानी नाच, मैं कहता था नाच मेरी नानी नाच गाना सॉन्ग फुल सॉन्ग ऐसे, मेरी बहन ने कहा वो नानी नहीं है वो नाच मेरी रानी, मुझसे गड़बड़ हो गई गाने में, मेरे को क्या हंसी आ रही, मेरे को शिट किसी के सामने बोला तो पक्का वो मुझे बेवकूफ समझता, जो कि मैं हुई, कहने वाली बात नहीं है। इनका भी लगा रखा है गाइस, चोटियल का, वो मूधुली कबूतरी का, ये भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतने दिन हो गए इनको भी लगाए, पिटे पड़ी है मगर लगा नहीं रही थी, ढीट है, क्या बताऊं मैं आपको, कुछ कबूतर होते हैं ना गाइस ढीट टाइप के, जो लगाने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं, लगाने का उनका मन ही नहीं करता बिल्कुल भी, सोचते हैं आज नहीं कल लगा लेंगे, मगर अभी नहीं लगाएंगे ये सोच के वो लगाते ही हैं। चलो सबको खोल देता हूँ बाहर, देख लो कैसे गिर गिर के निकलते हैं, ऐसा लगता है कभी जिंदगी में निकले ही ना हो, ऐसे कैसे निकल सकते हैं गाइस, ये ऐसे निकलते हैं बिल्कुल हड़कंप मचा देते हैं, देखो कितनी हड़कंप मचा दिए निकलते हैं, सारे निकल गए, हाँ सारे निकल गए। तो आज सफाई भी करनी है गाइस मुझे, सफाई फाई करके तभी मैं नीचे जाता हूँ, अगर मुझे लगता है जब गंद हो रहा है तो, वरना गंद नहीं लगता तो मैं ऐसे चला जाता हूँ नीचे छोड़ के इनको, नीचे सफाई करके जाता हूँ, मुझे खुद पसंद नहीं आती गंदगी। मैं झूठ नहीं बोल रहा गाइस, मैं पहले करता था जब मैं ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाता था ना, तो मैं ऐसा करता था 2-3 दिन में सफाई करता था, थोड़ा आलसपन आ गया तो छोड़ दिए 5-5, 6-6 दिन, तो कबूतर भी काफ़ी नुकसान में आ जाते थे मेरे। मगर जब से मैंने ब्लॉग बनाना शुरू करा, लोगों ने आइडियाज़ दिए मुझे, बहुत सारे लोगों ने मुझे आइडियाज़ दिए, तो उनको मुझे अच्छा लगा उनका सुन के, कि बताते हैं कि इससे बीमार पड़ते कबूतर, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी गाइस, तो मैं सोचता था कि कोई बात नहीं ऐसा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, तो मैं कर लूँगा बाद में, मगर मुझे अब समझ आ गया कि कबूतर इससे भी बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं। तो थैंक यू आप लोगों का बताने के लिए, आप कॉमेंट करते हो प्यारे प्यारे, और प्यारे प्यारे लोग कॉमेंट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, हाँ। सो गाइस, वो कबूतर फाइनली आ गया है जो मैं दिखा रहा था ना, अंदर पानी पी रहा है, देखो हो रहा चोटियल, जो कबूतर ये दिखा रहा था उसकी जो छींटे पड़ी है सर पे, येरी ये मेरे पास ही खड़ी है, लो ये वाली कबूतर जोड़ा लगा रहा हूँ मैं उसका, तो ये रहा पानी पी रहा है ये कबूतर, यही कबूतर था गाइस जो भाग गया था कल, कल भाग के गाइस ऐसे मेरी वीडियो रोकी ना उसके, फिर मैं गुस्से में चला गया था नीचे, मैं गुस्सा आ गया था उसके ऊपर, मैंने सोचा अब तो जाए, मैंने कहा भाड़ में जाए, मैंने कहा आए ना आए, मगर दिमाग खराब करके, एक तो गर्मी हो रही गाइस ऊपर, पसीने आ रहे इतने तगड़े वाले, ऊपर से कुर्ता पजामा पहन रखा है ना मैंने, तो गाइस इसमें क्या होता है ना, ये कॉलर वाला है, ये देखो ये कॉलर वाला है, ये पूरा कॉलर है, तो इसके चक्कर में क्या हो ना गाइस, पूरा नहा से गर्मी गर्मी से लग रही, मत सी कटी पड़ी, करूँ तो करूँ क्या, मैंने फटाफट जो थे बंद कर दिए, बाकी जो थे वो खोले रहने दिए। तो ये आया होगा 1-1.5 घंटे बाद, आके मुझे ऊपर ही मिला, जब मैं शाम में गुस्से में आई नहीं ऊपर दोबारा, शाम को मुझे ऊपर ही बैठा मिला, मैंने कहा आ गया अपनी औकात पर, वापस आ ही गया आखिरकार, मैं कहा चल अच्छा है आ गया, मैंने कहा पर काट दूंगा इसके या फिर पर बांध दूंगा, फिर मेरे पापा ने कहा पर मत बांध, खाली मिली में बुरा हो रहा मान जाएगा, फिर कबूतर क्या होता आड़े में आ जाएगा या बीमार हो जाएगा बुरा मान के, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मेरे पापा ने कहा छोड़ दे कोई नहीं कहीं नहीं जाएगा वो, वो थोड़ा सा अभी मस्त आ रहा है, पर नए आए ना उसके, इस चक्कर में वो भागा दौड़ी कर रहा है, फिर कहीं नहीं जाएगा वो, एक दो बार करेगा फिर नहीं जाएगा। मगर अब मैंने खोला है तो अब इनको खुले रह दूंगा दिन भर, ये देखो मिट्टी खाने गए, देख रहे हो गाइस मिट्टी खाने जाते हैं, और मेरी इनके चक्कर में मेरी खाल झड़ जाती है नीचे जाके, मम्मी मुझे बोलती हैं, चूंकि आप समझ सकते हो गाइस मिट्टी खाना गुना नहीं है,
मिट्टी खाने के लिए मम्मी ने नहीं बोला कि मिट्टी खा लो कोई बात नहीं, मैंने समझा रखा है कि मिट्टी खाने चाहिए, अंडे वंडे इनके वो होते ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई मिट्टी इनके लिए हाजमा करती है, तो मैंने समझाया मम्मी को, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं। मगर ये पता है क्या करते हैं, मम्मी ने पेड़ लगा रखे छोटे छोटे बीज होते हैं ना सीड्स होती हैं जो उसकी आम की गुठली हो गई और करेले के वो हो गए बीजे और पता नहीं किस किस चीज़ की मम्मी ने फलों के फ्रूट के लगा रखे हैं, मौसमी संतरे अनार वगैरह होते हैं क्या क्या लगा रखा है, तो उसको ये नोच लेते हैं, उसको नोचते हैं तो गाइस बताओ बंदा इतनी मेहनत करता है लगाने के लिए और महीनों लग जाते हैं उनको निकलने में बड़ा होने में, अब ये तोड़ के एक सेकंड में खराब कर दे, गुस्सा आएगा नहीं आएगा। अब गाइस मेरे कबूतर हैं, अब कोई मम्मी मेरी ऊपर आए और कबूतर सारे हटा दे तो मुझे कितने जोर गुस्सा आएगा आएगा ना, तो ऐसे ही इनका भी है ना गाइस, पेड़ खराब करेंगे तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा ही आएगा, तो इसलिए मम्मी गुस्सा करती हूँ। मम्मी कहती मिट्टी खा ले कोई दिक्कत नहीं, मगर पेड़ की टहनियाँ नोचे, मुझे इसलिए भगाना पड़ता है। तो आप लोग सोचते हो कि मैं जानबूझ के भगाता हूँ, मगर मेरी मजबूरी है, मुझे भगाना पड़ेगा, नहीं भगाऊंगा तो मम्मी मुझे इन लोगों को भगवा देगी सारे कबूतरों को ना से, इसलिए भाई जल्दी से दुआ करो, बहुत बहुत जल्दी दुआ करो कि हमारा सब कुछ सेटल हो जाए और मेरी जो पेमेंट है वो आ जाए। प्लीज़ गाइस दुआ करो आप लोग भी मेरे लिए, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं, अपनी दुआओं में आप लोगों को याद करते हैं गाइस, तो आप लोग भी हमें दुआ हमारे लिए दुआ करा करो कि मेरा जल्दी से चैनल प्रमोट मतलब कि बहुत अच्छे से चल जाए और ग्रोथ कर जाए और फटाफट से मेरी पेमेंट आ जाए ताकि मैं इनके लिए इन बेजुबान के लिए जानवरों के लिए मैं अपने लिए जाल बनवा लूँ बढ़िया सा, ये बेचारे इतने उसमें रहते हैं गाइस, आप लोगों को भी तरस आता होगा ना इनके ऊपर कि ये बेचारे उसमें रहते हैं इतने ज़्यादा उसमें वो हो जाती है प्रॉब्लम पानी गिरता है, तो आप लोग अगर चाहो ना गाइस कर सकते हो फटाफट जल्दी जल्दी मेरे को सब्सक्राइब करवा दो गाइस फटाफट ताकि जितने सब्सक्राइब होंगे जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। ओ गाइस फाइनली भाग गया वो कबूतर उड़ के, वो तो वाकई में भाग गया, मैं झूठ समझ रहा था, ओ गॉड वोरा 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 आओ मैं उड़ो ना, क्या हो गया कंजूस, ये रहा, वो गिर रहा गाइस नीचे गिर रहा है कबूतर, ओ तेरी वो तो हाथ फिर से भाग गया, वो साले ने बड़ा परेशान कर रखा, परी काटू बस, ये जा रहा वो जा रहा गाइस, देखो वो जा रहा, वो रहा दिखाता हूँ मैं आपको, रुको अभी दिखाता हूँ, वो घूम रहा है कबूतरों में जंगलियों में, व्हाट द हेल यार क्या प्रॉब्लम क्या है इसकी, ओ गॉड निकल गया लंबा ही तो, ये रहा ये ताल मारता हुआ आ रहा नीचे आ आ आ आ आ आ वे यार खाऊं गया लगता है, वो मनुष वहीं बैठ गया यार, देखना गाइस देख रहे हो आपके सामने, देखो मैंने दिखाया गाइस वो फिर से उड़ के चला गया है, मतलब कि ये सुधरेगा नहीं, मुझे करना ही पड़ेगा, बुरा मान जाए कोई दिक्कत नहीं है, मगर गाइस अगर चला गया ना ये तो फिर पक्का क्या बोलता दिक्कत होने वाली है गाइस, देखो मुझे कबूतर पसंद है वो, मैं चाहता नहीं वो कबूतर जाए, और वो कबूतर देखो निकल गया, मुझे लग रहा है वो जंगली कबूतर लेके जा रहे थे उस साइड और वो जंगलियों में का है, जिसने दिया है ना मुझे बेवकूफ़ ने वो जंगलियों में का कबूतर दे दिया, उस टाइम उसके नए पर थे तो मैं वो उड़ा नहीं था क्योंकि उसकी मजबूरी थी, इसलिए नहीं भगा होगा शायद वो, मगर अब वो इसलिए भग गया क्योंकि अब उसकी मजबूरी नहीं है, कंप्लीट हो गया उसके पर, अब बांध दो गाइस मैं उसके पर पक्का बांध दूंगा गाइस, अब उड़ने का उसको मौका नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको उड़ने का मौका दूंगा ना जो जंगलियों में हो जाएगा फिर वो दोबारा आने का आराम नहीं ले रहा, ये तो नहीं है यार जंगली ये तो, सो उधर की साइड गया है वो गाइस, ऐसे यू आ गया या बैठ गया या फिर इधर चला गया वो, कोई बात नहीं कुछ नहीं कर सकता गाइस, मैं उनको उड़ के तो पकड़ नहीं सकता तो मैं ऐसे ही करूँगा, कबूतर तो खुले ही है वैसे तो मेरे, जब मैं इन्हीं को छोड़ जाऊँ ये अपने कंट्रोल कर लेंगे उस कबूतर को, जब वो आ जाएगा तब मैं उसके साथ करूँगा जो करूँगा, आन दो उसको एक बार, उसके बाद मैं उसको नचाऊँगा अच्छा वाला कि बहुत जाता है ना ये, जाने का दोबारा नाम नहीं लेगा फिर। सो गाइस मैं यही कह रहा था, प्लीज़ सपोर्ट करो गाइस, मेरी वीडियो को शेयर करो, मेरे सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं गाइस, पहले सब्सक्राइब बहुत बढ़ रहे थे, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, जिन्होंने किया है उनको तो मैं थैंक यू बोलता, जो कर रहे हैं उनको भी थैंक यू, और आप लोग बहुत सपोर्ट किया है तो गाइस सपोर्ट और लोगों से भी करवाओ और शेयर करो मेरी वीडियो को, अब मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ गाइस, मेरी मजबूरी है मैं क्या करूँगा इसमें उड़ाने के लिए, इनको मैंने पर काट दिए हैं और ऊपर से कबूतर भी खराब हो गए हैं, आप जानते हो उड़ नहीं रहे कबूतर, कुछ तो उड़ ही नहीं रहे, तो मजबूरी है मैं इनको कैसे उड़ाऊँ, इनको ज़बरदस्ती उड़ाऊँगा तो ये बैट उड़ जाएंगे बेकार हो जाएंगे, इससे बढ़िया अंडे बच्चों में डाल दिया मैंने, अंडे बच्चों में डाला बच्चे निकलेंगे तो उनको उड़ा लेंगे, अगली साल ये रहा कि कलेक्ट कर लूँ मैं कबूतर, फिर अगर मेरा चैनल मोटिवेशन हो गया और पैसे उससे आ गए तो गाइस मैं कबूतर भी ला सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं नहीं लाऊंगा, मैं कबूतर लेके आऊँगा गाइस, मम्मी से बोल रखा है कि कबूतर दोबारा लेके आने मुझे, बस जाल बन जाएगा इस अच्छा सा, तो दुआ करो आप गाइस, मैं आपको भरोसा करता हूँ, प्लीज़ आप लोग दुआ करना कि जल्दी से मेरा चैनल जो है मोटिवेशन क्या बोलते हैं ऐसे कुछ बोलते हैं
मोटिफाई तो नहीं होता, मगर मोटिवेशन होता होगा शायद, प्रमोट होता है, ऐसा कुछ होता है ना, निकलते मतलब कि पैसे आना शुरू हो जाए सॉरी, तो मतलब ऐसा कुछ हो जाए तो गाइस सही रहेगा। सो गाइस आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और हम मिलते हैं दूसरी और अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपको क्या करना है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।